फ्लोरिडा में अपने घर पर छुट्टियां मना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार आधी रात ये जो ट्वीट किया, इसमें ट्रंप ने एक शब्द भी नहीं लिखा, बस अमेरिका के झंडे को पोस्ट भर कर दिया। दरअसल ट्रंप के इस ट्वीट की क्रोनोलॉजी इराक के बगदाद में अमेरिकी सेना के उस एयर स्ट्राइक से जुड़ी थी, जिसमें उसने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशों में काम करने वाली यूनिट कुद्स फोर्स का जिम्मा संभालने वाले कासिम को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखता था। बताते हैं कि पिछले चार दशकों से सुलेमानी अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए थे, क्योंकि ईरान पर हमले की कई अमेरिकी कोशिशों को उन्होंने नाकाम कर दिया। ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख होने के साथ साथ जनरल कासिम सुलेमानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के बेहद खास थे। आपको बता दें कि ईरान की सबसे एलीट फोर्स यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे आयतुल्लाह अली खामेनी को ही रिपोर्ट करती है, और ऐसे में उस फोर्स के जनरल को मार देना मिडिल ईस्ट में एक और खूनी जंग की दस्तक है। ये कासिम ही थे जो ईरान के लिए पश्चिमी एशिया में किसी भी मिशन को अंजाम देते थे। यकीनन उनकी मौत से एक मुल्क के तौर पर ईरान बुरी तरह जख्मी हुआ। जानकार मान रहे हैं कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ईरान अमेरिका से हमले का बदला न ले, और सीधे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि जिस विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, अगर वक्त रहते दुनिया सामने नहीं आई तो वो छिड़ सकती है। और यकीनन ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसका असर कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई पर भी पड़ेगा। तनाव के चलते खाड़ी देशों में होने वाला तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। साफ है दुनिया के जो देश खाड़ी देशों से तेल का आयात करते हैं उनकी हालत पतली भी हो सकती है। कम उत्पादन होने पर तेल के दाम बढ़ेंगे, जिसके असर से भारत का भी बचना मुश्किल है। अमेरिका के इस हमले के बाद 3 जनवरी को फौरन कच्चे तेल की कीमत में $3 प्रति बैरल का उछाल आ गया। सिर्फ तेल की कीमतों में ही उछाल आया हो ऐसी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका से बदले की आग में जल रहा ईरान के अलावा इराक में भी जनरल सुलेमानी की मौत के बाद गुस्सा दिख रहा है। इराक की सेना ने भी इस हमले की न सिर्फ निंदा की है बल्कि सेना को तैयार रहने को भी कह दिया है। आपको बता दें कि सुलेमानी ने सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कहने पर ISIS से निपटने के लिए इराक सरकार की आतंकियों से रणनीतिक तौर पर लड़ने में भी अहम भूमिका निभाई थी। In recent weeks, the Iraqi military has made key gains against the forces of the Islamic State of Iraq and Syria, and few military minds have received more credit for those battlefield wins than this man. Iranian General Qasem Soleimani. बगदाद को इस्लामिक स्टेट के आतंक से बचाने के लिए उनके ही नेतृत्व में ईरान समर्थक फोर्स का गठन हुआ था, जिसका नाम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स था। सुलेमानी अमेरिका के कितने पुराने दुश्मन थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच खूनी जंग में उनकी अहम भूमिका थी। इस युद्ध में अमेरिका ने इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। इस युद्ध में तो सुलेमानी किसी हीरो की तरह उभर कर सामने आए थे। सुलेमानी सीरियाई संघर्ष में राष्ट्रपति बशर अल असद के सलाहकार के रूप में भी देखे जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यमन से लेकर इराक और दूसरे मुल्कों तक रिश्तों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था, ताकि इन देशों में ईरान का असर बढ़ाया जा सके। जाहिर है उनकी मौत से मिडिल ईस्ट एक बार फिर बुरी तरह से अस्थिर होता दिखाई दे रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका ऐसा भी कदम उठा सकता है जो विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करे।